اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين

उसकी मंज़िल कशी फरमाई है फरमाया और जो लोग अपने रब की नाफ़रमानी से परहेज़ करते थे उन्हें ग्रोह दर ग्रोह जन्नत में ले जाया जाएगा यहाँ तक कि जब वो वहाँ पहुँचेंगे और उसके दरवाज़े पहले से खुले होंगे तो उसके मुंतज़ीम उनसे कहेंगे सलाम हो तुम पर बहुत अच्छे रहे तुम दाखिल हो जाओ इसमें हमेशा के लिए और अहल जन्नत कहेंगे शुक्र है उस अल्लाह का जिसने हमारे साथ अपना वादा सच कर दिखाया और हमको जन्नत का वारिस बनाया अब हम जन्नत में जहाँ चाहें अपनी जगह बना सकते हैं बस बेहतरीन अजर है अमल करने वालों के लिए शराय ज़ुमर की आयत नंबर तिहत्तर और चौहत्तर यहाँ पे तकरीम है परहेज़गारों की महशर के अंदर परहेजगार लोगों की इज्जत तकरीम की जाएगी दुनिया में उन्होंने मुश्किल हालात में अपने रब की अतात को फरामोश नहीं किया नाफरमानी से वो बचते रहे कयामत के दिन उसके उनके लिए हक का फ़ैसला होगा और उन्हें तकरीम के साथ जन्नत में ले जाया जाएगा और ये ग्रोह दर ग्रोह जन्नत की तरफ बड़ी इज़्ज़त के साथ ले जाए जाएंगे दोस्तों जन्नती लोगों के अमाल करना गो के मुश्किल लगता है लेकिन जिनको अल्लाह ये सलाहियत देता है उनको साबित करने की तौफीक भी देता है और वो जब महशर में पहुँचेंगे उनके हक में फ़ैसला होगा उनको इज़्ज़त के साथ जन्नत की तरफ़ ले जाया जाएगा फ़रिश्ते उनको सलामती के साथ अंदर दाखिल करेंगे और ये उनको कहेंगे कि कितने ही अच्छे लोग थे तुम तुमको जन्नत में दाखिल किया जाता है जहाँ तुमने हमेशा रहना है और जन्नती अपने रब का शक्र अदा करेंगे कि जो उसने वादे किए उनको पूरा किया और जन्नत में उनको आला मुक़ाम दिया और जहाँ जहाँ वो जाना चाहें उनको जाने की इजाज़त दी और अमल करने का बेहतरीन उनको अजर अता फरमा दिया अल्लाह ताली हमें जन्नति वाले आमाल करने की तोफ़ी अता फरमाए जन्नति वाले अमाल को आगे लोगों तक पहुँचाने की तोफ़ी अता फ़रमाए और इस पर हमें साबित कदम रखे यहां तक कि हम अपने रब से मिलें तो वो हमसे राज़ी हो आमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाई सल्लू अलैहि